आपकी मंजिल? बगदाद। बगदाद? फिर तो आपका और हमारा साथ रहेगा। तो क्या आप भी वहीं जा रहे हैं? जनाब, आप तो कोई सौदागर मालूम होते। जी हाँ, बादशाह सलामत की सालगिरह के जश्न पर हम हर साल हीरे और जवाहरात बेचने बगदाद जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और जनाब किस काम से जा रहे हैं? बंदा भी एक सौदागर। क्या सौदा बेचते हैं आप? मैं हुस्न का सौदागर और एक अनमोल हीरे का सौदा करने बगदाद जा रहा हूँ। भाई, ऐसा कौन सा हीरा है, जरा हमें भी तो बताओ। ये वो हीरा है जिसकी चमक दमक से सारा मुल्क जगमगा रहा है। उसका नाम है शहजादी रुखसाना। अच्छा, तो आप शहजादी रुखसाना के आशिक हैं? क्या शहजादी रुखसाना भी आपसे मोहब्बत करती है? मोहब्बत करती है? अजी साहब, वो तो मेरे लिए इतनी बेचैन है कि अक्सर रातों को उठ उठ कर मेरे ख्वाबों में चली आती है। तो ये इश्क ख्वाब में हुआ है? जी हाँ। और आप इसी ख्वाब की ताबीर पूरी करने बगदाद जा रहे हैं? जी हाँ, मैं उसके हुस्न का दीवाना हूँ। वो तो आप सूरत ही से नजर आते हैं। आप पैदा ही आशिक दिखाई देते हैं। आधा वर्ष है। अरे उसके हुस्न तसव्वुर ने वो जुनून बख्शा कि कभी हंसा, कभी रोया, कभी चुप चुप रहा। अरे मेरी चढ़ी हुई आंखों को देखते क्या हो, खुदा गवाह मैं रात भर नहीं सोया। ये रोशनी कैसी? आई तो चल के देखिए। आप ही देखाइए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो कौन बहादुर शख्स है जो किस्मत के इस बेहतरीन मौके को काम में लाए? जो बहादुर अपने वजीर के इस जबरदस्त मंसूबे का बीड़ा उठाएगा, वो कल बगदाद के शाही तख्त पर वजीर का दाहिना बाजू बनकर बैठेगा। हाँ सरफरोश नौजवानों, बताओ तुम में से कौन है वो दिलेर जो कल बादशाह की सालगिरह के जश्न में वजीर के हाथ से रुमाल गिर जाने का इशारा पाकर ये आबदार खंजर खींचकर बादशाह के सीने में मारे? देखो इस खंजर की आबोताब तुम में से किसी खुश नसीब से बगदाद की वजारत का वादा कर रही है। इसके जहर को बेवकूफ बादशाह के सीने में बुझा दो। बढ़ो, खुश नसीबी तुम्हें पुकार रही है। कामयाबी को तुम्हारा इंतजार है। शाबाश। बोलो वजीर आजम जिंदाबाद। वजीर आजम जिंदाबाद। वजीर आजम जिंदाबाद। अजीब, इस वक्त से फायदा उठाओ, शहजादी तक पहुंचने का इससे बेहतरीन मौका फिर नसीब ना हो सकेगा।
इस गाड़ी में? बर्तन है सरकार। बर्तन? चाहते हो तो मेरा एक पैगाम शहजादी तक पहुंचाना हो। Thank you.
वफादार मुलाजिम हो। हम तुम पर जितना भी नाज करें कम है। हम तुम्हारे बहुत मशकूर है सालार आजम। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे सुल्तान को अपनी अमान में रखा। वजीर साहब, आपका रुमाल। ये वजीर ही की साजिश थी अब्बा जान। वो आपका दुश्मन है, आपको रास्ते से हटाकर खुद बादशाह बनना चाहता है। ये देखिए। तुम तो बिल्कुल पागल हो। ये भी हमारे दुश्मनों की एक चाल है। वजीर हमारा वफादार आदमी है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। वो बहुत चालाक और खतरनाक इंसान है। आप नहीं जानते अब्बा जान, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। रुखसाना, तुम खाम खाम हमारे एक बहादुर और वफादार सिपे सालार पर शक कर रही हो। ओ वजीर आजम, आओ आओ। देखो तो, रुखसाना तुम पर शक कर रही है कि तुम हमें कत्ल करवाना चाहते थे। बहुत पागल है। ये तो पढ़ो। दुश्मन बहुत चालाक है हुजूर, एक ही वार से दो शिकार करना चाहता है। शहजादी साहब नादान है। बच्चा है, बिल्कुल बच्चा है। भला हम कभी तुम्हारी वफादारी पर शक कर सकते हैं? लीजिए, इस हुक्मनामे पर दस्तखत फरमा दीजिए। शहजादी साहबा, वजीर जरूर एक दिन बादशाह सलामत की जान ले लेगा और खुद बगदाद का बादशाह बन बैठेगा। जलवा, वो कौन था जिसने साजिश की खबर हम तक पहुंचाई? उसकी मदद हासिल करना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो वजीर के बारे में और कुछ भी जानता हो। टिंगू, वो कौन था? अच्छा, तुम उसे तलाश करो, उसे ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो उसे पुरानी खंडर में लेकर आओ। वहां हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और सुनो, उसे ये ना मालूम हो कि हम कौन हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो है कौन। सारे शहर का चप्पा चप्पा छान मारो और उस बदमाश को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। जो हुकुम। कहाँ के रहने वाले हो? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया? यहाँ क्या करने आए हो? मैं सौदागर हूँ। सौदागर हो? अच्छा, जाओ। Thank you.
अपने नमक हराम वजीर की साजिश को कामयाब न होने दिया और बादशाह सलामत की जान बचाई। जी हाँ, वही हूँ मैं। हमें शहजादी साहिबा ने भेजा है। शहजादी साहिबा तुम्हारी वफादारी से बेहद खुश है। उन्होंने हमें ये इनाम देकर तुम्हारे पास भेजा है। जरे नसीब। और उन्होंने ये मालूम कराया है कि गद्दार वजीर की साजिशों के बारे में तुम्हारे पास और कोई सबूत है? जी नहीं। तो तुम वजीर के बारे में शहजादी साहिबा की और कोई मदद नहीं कर सकते? जी नहीं, क्योंकि मैं और कुछ नहीं जानता। तुम्हें बगदाद फौरन छोड़ देना चाहिए। वजीर के आदमी तुम्हारी ताक में है, तुम्हारी जान खतरे में है। ये आशिक नाशाद अपना सर हथेली पर रखकर आया है और उस वक्त तक बगदाद नहीं छोड़ सकता जब तक उसको शहजादी का दीदार नसीब ना हो। तो क्या तुम शहजादी के इश्क में गिरफ्तार हो? जी हाँ, ये कांटों का ताज मैंने खुद पहना है। अयो, लेकिन ऐ नादान अजनबी, तुमने क्या समझकर इतनी बड़ी शहजादी की मोहब्बत का बीड़ा उठाया है? तुमने अपने आप को इसके लायक क्यों कर समझा? लेकिन आए भोले भाले कासिद, तुमने क्या समझकर एक इतने बड़े आशिक से सवाल किया? जानते हो मैं मोहब्बत की उस लाजवाल सल्तनत का मालिक हूँ जो कि शहजादी की सल्तनत से कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम बड़े गुस्ताख मालूम होते हो। जानते हो हम शहजादी साहिबा के खास मुलाजिम हैं, हम तुम्हें गिरफ्तार करा सकते हैं। एक कैदी जो रेशमी जुल्फों के फंदों में गिरफ्तार है, वो फिर कैसे गिरफ्तार हो सकता है? अजीब किस्म के इंसान, शहजादी को कभी देखा नहीं और आशिक बन बैठे। पैदाशी आशिक मालूम होते हो। मेरे यार, रूप पहचाना तुमने तो है। अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में, गुजर रही है मेरी जिंदगी मोहब्बत में। मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, मिजाज आशिकाना है, मिजाज आशिकाना है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। अदाए हुस्न पे हस्ती निसार करता हूँ, मेरा तो काम यही है कि प्यार करता हूँ, पर एक बार नहीं बार बार करता हूँ वो प्यार करता हूँ। मेरे लबों पे सदा इश्क का तराना है, मेरे लबों पे सदा इश्क का तराना है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, मिजाज आशिकाना है, मिजाज आशिकाना है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। मुझे डराएंगी क्या मुश्किलें जमाने की, के मेरे सीने को आदत है तीर खाने की। ओ हुस्न वालों जरूरत नहीं निशाने की, नहीं निशाने की, खुशी से तीर चलाओ ये दिल निशाना है, खुशी से तीर चलाओ ये दिल निशाना है। मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, मिजाज आशिकाना है, मिजाज आशिकाना है, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। आखिर तुम क्या चाहते हो? बस मुझे एक बार शहजादी से मिला लो। हम तुम्हें शहजादी से नहीं मिला सकते क्योंकि तुम बहुत बेबाक। अरे कासिद, तुम तो खाम खा नाराज होते हो। देखो खुदा के वास्ते एक बार मुझे शहजादी से मिला दो, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा, हम तुम पर तरस खाते और तुम्हें एक बार शहजादी दिखाते। अरे जियो मेरे कासिद। अभी नहीं, अभी नहीं। मतलब ये कि तुम
कल सुबह महल की पिछली दीवार के पास आ जाना। ठिंगू तुम्हें अंदर ले आएगा, शहजादी को एक बार देखना और फिर वापस आ जाना। ठीक ठीक। अरे कासिद एक बार घरे तो मिल जाओ, तुमने इतना बड़ा एहसान किया मुझ पे। अब छोड़ो छोड़ो, हमें बहुत देर हो रही है, शहजादी नाराज होगी। आज देखो सुबह, और मैं जरूर आ जाऊंगा सुबह, और ठिंगू को भेज देना। ओ जी ओ ठिंगू, सुबह जाना। दुनिया की तमाम हसीन लड़कियों की रुखसारों से ज्यादा नरम और रोशन ये खूबसूरत पांव आशिक के दिल को ठुकराने और रौंदने के लिए कितना मौजू। अच्छा तो वो तुम ही थी जो रात की तारीकी में भेष बदलकर मुझसे मिलने आई थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम ही तो मेरी जिंदगी का वो सुहाना ख्वाब हो जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली। ये तुम्हारे नींद में डूबे हुए रुखसार और उन पर लहराते हुए परेशान गेसू, सुर्ख होठों पे ये शराबी शराबी सी मुस्कुराहट, ये बताती है तुम मोहब्बत का एक खुशगवार ख्वाब देख रही हो। काश इस ख्वाब की ताबीर मैं होता। मेरे ख्वाबों में आने वाले मेरे ख्वाबों की ताबीर बन के आ जा, मुझे तेरा इंतजार है। आ मेरे महल को एक रोशन फानूस की जरूरत है। मैं आ गया हूँ, ऐ मेरी जिंदगी की मंजिल, तेरा मुसाफिर तपते हुए रेगिस्तानों के कठिन रास्तों को तय करता हुआ तुझ तक पहुंच गया। और ये सच है कि अपनी मंजिल से आगे कोई मुसाफिर कभी नहीं गया। मेरी तकदीर के सितारे, कल अंधेरी रात की तारीकी में मैंने तुम्हें देखा और पहचान लिया। मेरी जिंदगी के आसमान पर अब तुम सदा यूं ही जगमगाते रहना और टूट कर कहीं गुम न हो जाना। कहते हैं किस्मत के सितारे बड़े बेवफा होते हैं, और सुना है कि अजनबी की मोहब्बत रास नहीं आती। फादा करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मुझे अपनी रेशमी जुल्फों के फंदों में गिरफ्तार कर लो। मैं वो शिकार हूँ कि खुद अपने शिकारी के जाल की तरफ खिंचा रहा हूँ। तुम्हारे ख्वाबों की सच्ची ताबीर। तुमको इस महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? मोहब्बत और हिम्मत का पुराना साथ। मैं वही तो हूं जो तुम्हारी जवानी की नींदों में मोहब्बत का ख्वाब बनकर छाया हुआ था, और जिसे तुमने एक नजर देखने की ताकत दी थी। तो जाओ, तुम देख चुके। लेकिन उस खास नजर से मैंने अभी तुम्हें नहीं देखा जिस नजर की मैंने तुमसे इजाजत ली थी। कौन सी नजर? वो नजर जिसकी गर्मी से हसीनों के रुखसार तिमतिमा जाते हैं, वो नजर जो आशिके नाशाद का खामोश पैगाम हसीनों की झुकी हुई निगाहों तक पहुंचा देती है। इधर देखो। बस नहीं, ये वो निगाह है जो अपने पैगाम का जवाब लिए बगैर नहीं हटती। अपनी निगाहों को मत बचाओ,
वो जवाब देंगे। इंसाफ शफाफ फाइनों में तुम्हारे गहरे दिल का हाल लिखा जाने लगा, तुम्हारी निगाहें बोलने लगी। सबका मुकाबला करूंगा। ये वक्त मुकाबले का नहीं, सवाल मेरी बदनामी का है। ठिंगू, जलवा कहाँ है? गुस्ताखी की माफी चाहता है शहजादी साहिबा। क्या अर्ज करूं, काम ही ऐसा जरूरी था। एक बदमाश पहरेदारों को धोखा देकर महल में आ घुसा है और उसका यहां छुपे रहना खतरनाक है। मैंने सोचा शायद इस वक्त शहजादी साहिबा को मेरी खिदमत की जरूरत हो, क्योंकि वो शख्स बहुत खतरनाक और बड़ा अजीब है। अजीब कौन? अजीब
लेकिन आप भी अजीब हैं कि बगैर इतला कराए चले आए। जलवा, आप खुशी से तलाश कीजिए। महल में घुसाने वाले ऐसे खतरनाक इंसान को यकीनन सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर किसी को ऐसी जरूरत ना हो। बेशक, मैं शहजादी साहिबा के हुक्म को बजा लाने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। शहजादी साहिबा के हुक्म की तामील हो। बंद रखिए। हाजिर हो जाऊंगा। शहजादी साहिबा, आपकी राजदार सहेली का शुक्रिया, जिसने आपके दुश्मन को अपनी मुट्ठी से मेरी मुट्ठी में दे दिया। पकड़ लो इस लुटेरे को। जानती हो, बेहतर होगा कि तुम इन मामलों में दखल न दिया करो। लेकिन आप वजीर की चालों में आकर अपने एक मोहसिन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उसने आपकी जान बचाई है, एक बेगुनाह शख्स पर इतना भारी जुल्म हो रहा है। अब्बा जान, क्या आप मेरी इतनी सी इल्तिजा भी कबूल नहीं कर सकते कि एक बेकसूर को आजाद कर दे? रुखसाना, तुम्हारी जिद की वजह से हम अपने सल्तनत के काम नहीं बिगाड़ सकते। तुम कहती हो कि उस बदमाश ने हमारी जान बचाई है, जिसने हमारी जान लेने की कसम खा रखी। खुदा सलामत रखे वजीर आजम को, जिसने हमारी जान बचाई और हमारे दुश्मन को मार डाला। वरना आज तुम यतीम होती यतीम, इस महल में अंधेरा ही अंधेरा होता। तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे? हरगिज नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वजीर का रंग आप पर गहरा चढ़ा हुआ है। हाँ। समझती है क्या वो
वाकई बेगुनाह है। सरकार, शहजादी साहिबा तो बिल्कुल भोली हैं, नादान हैं। बदमाश मर्दों की चालाकी को वो क्या जाने, औरतों की बातों पर तो कान धरना ही नहीं चाहिए सरकार। बेशक बेशक, तुम सच कहते हो। ऐसे गद्दार पर रहम खाना सांप को दूध पिलाना है, उसे बहुत जल्द उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बेशक, ये वफादार गुलाम अपने सुल्तान की मर्जी बखूबी समझता है, इसीलिए हुक्म पाने से पहले ही उसके लिए सजाए मौत तजवीज कर दी गई है। बहुत खूब, बहुत खूब। सिर्फ उसकी मौत के फरमान पर शाही मोहर की जरूरत है। फरमान हाजिर है सरकार। शाबाश। मोहर कहाँ गई? मोहर? हाँ, अभी तो यही थी, यही थी, तो गुम कैसे हो गई? गुम नहीं हुई सरकार। मैं उसे तलाश कर लूंगा। मगर कहाँ, गुम यहाँ हुई है, तलाश तुम कहाँ करोगे? ये खूब है। आसानी से तुम नहीं जा सकते। अगर इसकी खैरियत चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ, वरना ये खंजर इसकी जान ले लेगा। हट जाओ। जाओ, इसे ले जाकर आदम खोरगार में डाल दो, जहां गोश्त खोर कीड़े और दीमक इसे भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे और दुश्मनों की तरह चाट जाएंगे।
होंगे। कभी एक ख्वाब देखा था मेरे पहलू में तुम होगे, मेरे पहलू में तुम होगे। कहानी प्यार की आंखों ही आंखों में बयां होगी, कहानी प्यार की आंखों ही आंखों में बयां होगी। किसे मालूम था एक दिन मोहब्बत बेजुबां होगी। नबी फरिश्ते, मैं एक नाशाद आशिक हूं जिसे अपनी महबूबा से अलग कर दिया गया है। मुझे यहां से निकलने का रास्ता बताइए। रास्ता तो मैं बता सकता हूं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। आप मुझे राह बताइए। इस रास्ते से अंदर जाओ, तुम्हें एक चिराग मिलेगा। वो चिराग तुम्हारी मदद कर सकता है, मगर उस चिराग को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत सी बलाओं का मुकाबला करना होगा, जिसमें जान तक जाने का खतरा है। हिम्मत से काम लो, खुदावंद करीम तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। Thank you.
اے مقدس چراغ مجھے ان موت کی خطرناک جبڑوں سے باہر نکال دے, مجھے میرے محبوب تک پہنچا دے. اے مقدس چراغ مجھے اپنی روشنی میں آزادی کا راستہ دکھا دے. میں ناچیز انسان تجھ سے آزادی کی بھیک مانگنے آیا ہوں. اے چراغ کے غیبی فرشتے اس ناشاد عاشق کے دل کی فریاد سن دے, مجھے میری رخسانہ سے ملا دے. خدا کے لیے کان کھول کے میری فریاد سن, اس ٹوٹے ہوئے دل کی آواز سن. نہیں سنتے؟ تم سن بھی کیسے سکتے ہو, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جس کے پاس بھی یہ چراغ ہوگا میں اس کا غلام ہوں. فرمائیے غلام کو کس لیے یاد فرمایا ہے؟ لیکن تم کون ہو؟ میرے آقا میں اس چراغ کا جن ہوں اور آج سے آپ کا غلام. تم میرے غلام؟ جی ہاں. یعنی میں جو چاہوں تم کر سکتے ہو؟ جی ہاں میرے آقا, اگر آپ حکم دیں تو میں زمین آسمان ایک کر دوں, پہاڑوں سے پہاڑ ٹکرا دوں. آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنا میرا فرض ہے. فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شہزادی رخسانہ کس حالت میں ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں میرے آقا, ادھر تشریف لائیے. آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صاف کر رہا ہوں. اسے اس طرح صاف نہ کیجئے میرے آقا. وہ کیوں؟ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اسے چھو گیا تو اس کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی, میں انسان بن جاؤں گا, آپ کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا. تم شہزادی رخسانہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں, خدا کے لیے جلدی کرو. بڑی بے قراری معلوم ہوتی ہے. ابھی دکھاتا ہوں. یپو ٹپو. رخسانہ مجھے باہر نکال دو. تم باہر جانا چاہتے ہو؟ ابھی لے چلتا ہوں. یپو دوست, بڑی زور سے بھوک لگی یار. بھوک لگی ہے؟ کیا کھاؤ گے؟ جو کھلا دو. جو کھلا دو؟ اچھا تو اب بھی بندوبست کیا دیتا ہوں. جاؤ کھالو کھالو. یہ چین کی چوک چوک. آگے بڑھو. ہندوستان کا دہی بڑا. آگے بڑھو. بغداد کا شیخ کباب. آگے بڑھو. یہ جانی لڑکی کو ہاتھ نہ لگاؤ. تم نے کھانا مانگا تھا, لڑکی نہیں. تو لڑکی کس نے لایا؟ تم کھانا کھاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کھانا تمہارے لیے. بیٹا تیرا بھی جواب نہیں. سرکار جب سوال ہی نہیں تو پھر جواب کہاں سے آئے گا؟ اے دوست, کوئی ایسی تدبیر ہو سکتی ہے جس سے مجھے شہزادی حاصل ہو جائے؟ کاش میں شہزادہ ہوتا یار. شہزادہ؟ کیا تم کسی شہزادے سے کم ہو؟
अपने लिबास को देखो जरा। अरे मटके, ये क्या? तुम हिंदुस्तान के कहलाते और मैं तुम्हारा वजीर। अरे वो तुम्हारी चुटिया कहाँ गई? वो लंबी लंबी मूछें कहाँ गई? तुम्हारी सलवार के साथ मेरी चुटिया और मूछ भी गुम हो गई। तुम्हारा वजीर, वजीर। खामोश बदतमीज, आप कहो आप। माफ करो मेरे आका, खादिम गुस्ताखी भी माफी चाहता है। आपकी आमद की खबर बगदाद के शाही महल में पहुंचा दी गई है। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार कर रहे हैं? जी मेरे, हम जरूर तशरीफ ले चलेंगे। शहजादे हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। आपने बगदाद तशरीफ लाकर हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की है। हम बगदाद के लोगों की तरफ से हिंदुस्तान के शहजादे का इस्तकबाल करते हैं। आइए हमारे नजदीक बैठकर दरबार को रौनक बख्शिए। बगदाद के सुल्तान का और रियाया का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने मुल्क की तरफ से कुछ तोहफे पेश करता हूँ। तोहफे? जी हाँ, तोहफे। वाह वाह, वाह वाह, कीमती जवाहरात। नजर है, कबूल? हम बड़े फख्र के साथ कबूल करते हैं। और इन कीमती तोहफों के बस हम अपने अजीज मेहमान को ये अंगुश्तरी, जिसके नगीने की दुनिया में मिसाल नहीं, शुक्रिया के तौर पर पेश करते हैं। सुल्तान आली का शुक्रिया, लेकिन मैं तो आपके खजाने के एक ऐसे हीरे की तारीफ सुन के आया हूँ कि जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। बेशक बेशक, हमारे खजाने में ऐसे जवाहरात के अंबार हैं। हम अपने अजीज मेहमान को इजाजत देते हैं कि वो जिस हीरे को चाहे चुन ले। लेकिन सुल्तान आली वो एक ऐसा हीरा है जो सारे बगदाद की रौनक है। मुझे डर है कि अगर मैं उसका सवाल करूंगा तो शायद मायूस कर दिया जाऊंगा। मुअस्सिस मेहमान, बगदाद के बाशिंदे अपने मेहमान से ज्यादा किसी चीज को अजीज नहीं मानते, और जो कॉल करते हैं उसे हर हाल में निभाते हैं। हम अपने मेहमान को पसंद की इजाजत दे चुके हैं। लेकिन सुल्तान आली, गुस्ताखे माफ, बादशाहों को कौल हारने में ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। बेशक, लेकिन वजीरों को चाहिए कि अपने बादशाहों को कौल हारने से पहले मशवरा दें, कौल हारने के बाद नहीं। मगर आपने गौर नहीं फरमाया कि शहजादा मांग क्या रहा है। मेरा ख्याल है उस चीज को बख्शते हुए आली जाह हिचकिचा जाएंगे। सालार आजम, ऐसी कौन सी नायाब चीज है जिसके लिए हम अपने कौल से फिर जाएंगे? यकीनन वो एक ऐसी ही नायाब चीज है। शहजादा एक ऐसी चीज तलब कर रहा है जिसको दे देने के बाद ये मुल्क फकीर हो जाएगा, ये महल वीरान हो जाएगा, सुल्तान आली लुट जाएंगे। लुट जाएंगे? लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें अपने मेहमान से ज्यादा अजीज हो। है आलीजा। क्या? दुख्तरे बगदाद, शहजादी रुखसाना। रुखसाना? क्या वजीर सही कहता है? बिल्कुल सही सुल्तान आली। हमें कबूल है सुल्तान आली। सालार आजम, शहजादे के ठहरने का इंतजाम शाही मेहमान खाने में किया जाए। और ख्याल रहे,
इन्हें कोई तकलीफ और शिकायत ना हो। शहजादे, मैं आपको इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया। मगर क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैंने इससे पहले आपको कहां देखा है? ख्वाब में सरकार, क्योंकि ऐसी हसीन सूरतें कभी कभार ख्वाब में नजर आया करती हैं। सरकार अब जरा जल्दी कीजिए, हमें मेहमान खाने तक ले चलिए और हमारे आराम का इंतजाम इस तरह कीजिए कि हमें शिकायत का मौका ना हो। आया ख्याल शरीफ में सबका? चलिए। शहजादी साहिबा, शर्माई शर्माई क्यों बैठी हो? दूल्हा आया है, उठकर इस्तकबाल करो। मैं कुर्बान जाऊं और दूल्हा भी आएगा। हाँ, बदतमीज। मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक कौन कर रहा है? हम तो भाग कर ये इत्तला देने आई हैं कि होशियार रहना, कहीं दूल्हा को देखते ही गश न खा जाए। तुम सब जाओ यहाँ से, मैं तन्हाई चाहती हूँ। जलवा, जलवा तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी का सौदा एक सल्तनत से किया जा रहा है। लेकिन अब क्या हो सकता है, बादशाह सलामत शादी का वादा कर चुके हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी। मैं उस शहजादे से मिलकर खुद बात करूंगी। अगर वो शरीफ होगा तो मेरी बात मान लेगा। मगर आप उसे कहेंगे क्या? यही कि उसने जगमगाती रात के एक ऐसे तारे को चुना है जो उसकी तकदीर का नहीं। तो जाइए, शहजादा अपने आरामगाह में आ गया होगा। आओ आओ बैठो, हम तो इस महल में एक अच्छी सूरत देखने को तरस रहे हैं। क्या तुम ही हिंदुस्तान के शहजादे हो? क्यों, क्या हमारी सूरत शहजादों जैसी नहीं है? ए हिंदुस्तान जन्नत निशान के शरीफ शहजादे, जियो। बगदाद की ये हसीन शहजादी तुम्हारे पास एक इल्तिजा लेकर आई है। ए बगदाद की हसीन शहजादी, कहो, हिंदुस्तान का यह खूबसूरत शहजादा तुम पे कुर्बान होने के लिए तैयार है? रहम करो शहजादे, मैं रहम की दरख्वास्त लेकर आई हूँ। तो तुम भी हमारी तरह बेकरार हो। परेशान न होइए शहजादी, मैं इस मोहब्बत की बेकरारी को जल्दी खत्म कर डालूंगा। मैं ये इल्तिजा लेकर आई हूँ कि अब मैं किसी और की नहीं हो सकती। इत्मीनान रखिए, अब मैं भी किसी और का नहीं हो सकता। शहजादी, जिस दिन से मैंने तुम्हारे हुस्न की शोहरत सुनी, बस उसी दिन से ये मेरा नन्ना सा दिल तुम्हारा हो चुका है। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है शहजादे। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम अपनी दौलत से जिस दिल को खरीदना चाहते हो, वो तुमसे पहले किसी और की मोहब्बत का तीर खा चुका है। तीर खा चुका है? मगर हमने तो तीर चला ही नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हमारी नहीं हो सकती, किसी और से मोहब्बत करती हो? अरे अरे, हम में क्या कमी है, क्या बुराई है, बोलो। मोहब्बत का सौदा अच्छाई और बुराई के बाटों से नहीं तोला जाता शहजादी, ये खुशी का सौदा है। मेरी ये इल्तिजा कबूल करो, मुझ पर रहम खाओ, वापस चले जाओ। हरगिज नहीं, मैं हरगिज वापस नहीं जा सकता। मैं अपने सीने में तुमसे शादी करने की आरजू लिए हिंदुस्तान से बगदाद तक आया हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं खाली हाथ कैसे वापस जा सकता हूँ? एक महरूम दिल की मोहब्बत से नाजायज फायदा ना उठाओ। फायदा क्यों ना उठाओ? अगर तुम्हारा दिल महरूम है तो फिर हमारा दिल क्यों महरूम रहे? तुम मेरी हो। तुम्हें एक मजबूर शहजादी पर क्या तरस नहीं आता जो तुमसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही है? ना ना ना, शहजादियां भीख नहीं मांगती, वो तो हम जैसे शहजादों के दिलों पर
ठोकर मारती हैं। तुम एक दफा मुझसे शादी करके देखो, फिर तुम्हें मालूम होगा मुझ में क्या क्या खूबियां हैं। जन्नत जिसका नाम, वो हमारे खीसे में है। अगर हम चाहें तो दुनिया भर के तोहफों का तुम्हारे सामने ढेर लगा दें। उधर देखो, उधर देखो, वो देखो, सियालकोट के ट्रंक, चाकू और छुरियां, छू। मुरादाबाद के बर्तन, टक। मद्रास का इडली डोसा, डू। बंगाल के रसगुल्ले, पा। बेवफा, मौत की बेफिक्र नींद से जरा चौंक कर देख कि तेरी गुलबदन रुखसाना मोहब्बत की इस कांटों भरी सेज पर किस कदर बेचैन है। मुझे सब मालूम है। अजीब, जान से ज्यादा अजीज प्यारी रुखसाना, मैं तेरे हाल से गाफिल नहीं, मैं हर वक्त तेरे दम के साथ हूं। मुझे भी जिंदगी के इस कठिन कैदखाने से निकाल ले चलो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अजीब, नहीं रह सकती। आओ मेरी बाहों में आओ। काश मैं तुमसे लिपट जाती और तुम मुझे अपनी बाहों में छुपाकर बुलंद आसमानों की तरफ उड़ा ले जाते। अजीब, 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 मेरी अजीब, क्या तुम जिंदा हो? अजीब, अजीब, बोलो ना। मोहब्बत के शहीद मरा नहीं करते, जब तक तुम इस दुनिया में जिंदा हो अजीब को मौत नहीं आ सकती। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। अजीब, तुम अच्छे वक्त पर आ गए, नहीं तुम्हें कम और मुसीबत से मर जाती। तुमने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। किस मुसीबत से रुखसाना? मुझे एक बेवकूफ शहजादी की कनीज बनाया जा रहा है। कौन है वो बदनसीब शहजादा? मैं उसके दो टुकड़े कर दूंगा। लेकिन वो बहुत मोटा है। तो फिर मैं उसके चार टुकड़े कर दूंगा। कहाँ है मेरी तलवार? की हसीन दोशीजा, हिंदुस्तान का ये मशहूर शहजादा तेरी इन खूबसूरत आंखों का शिकार हो गया है। तेरी एक ही नजर से उसका नन्ना सा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। अपनी मोहब्बत से इन मेरे दिल के टुकड़ों को फिर से जोड़ दो। अगर कोई टुकड़ा कहीं गुम हो गया तो ऐ बगदाद की हसीना, मैं तेरे दिल का उतना ही टुकड़ा काट कर अपने दिल के साथ सीलूंगा। समझी? जवाब नहीं देती। हाँ, मगर कैसे जवाब देगी? मैंने तो जादू किया है। कोई बात नहीं, मैं फिर समझाता हूं। ऐ बगदाद की हसीन दोशीजा, ये तेरी पतली सी लचकती हुई कमर और ये तेरे गोरे गोरे गालों पर काले काले तिल, ये तेरे सुख सुख होंठ, सबके सब मिलकर मुझे लूट रहे हैं और मैं अकेला बैठा हुआ लुट रहा हूं। बचाने वाला कोई पास नहीं, बचने की कोई आ भूत, भूत, कहा भूत, कितना भूत,
वो तो भूत मैं ही हूँ। अरे यहाँ कोई भूत नहीं, कहाँ है भूत, कहाँ है भूत, यहाँ तो कोई भूत नहीं, कहाँ है भूत, अरे बता तो सही, अरे बता तो सही, कहाँ है भूत, यहाँ तो कोई भूत नहीं, यहाँ तो तुम हो और मैं हूँ, मैं कोई भूत नहीं, देख मैं इंसान हूँ, जरा हाथ लगा के देख, तुम्हें मेरी कसम हाथ लगा के देख, घबराओ नहीं, देखा देखा मैं इंसान हूँ ना, अब यहाँ देख, यहाँ देख मेरे गाल कितने नरम है, फलूदे की तरह नरम, और मैं हिंदुस्तान का मशहूर शहजादा हूँ। हाँ तुम शहजादे हो? जी हाँ, लेकिन लेकिन तुम्हारे हुस्न का कैदी। लेकिन तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो? अरे वो तो उस वक्त की बात थी जब मैंने तुम्हें देखा न था, मुझे क्या मालूम था कि यहाँ की कनीजें शहजादियों से ज्यादा खूबसूरत है, अब मैं हरगिज उससे शादी करने की जिद न करूंगा और तुम्हें अपने दिल की मलका बनाकर सबर कर लूंगा। एकदम मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई, और तेरा बेरा घर खोए साडा कंगा कर छजई, उठ तेरी मैं क्या कहते हो, कुर्बान जाऊं और कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ तेरा कसूर है न मेरा कसूर है, आंखों में आंखें डाल के देखा जरूर है, बस देखते ही दिल मेरा दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, बस तुम शहजादे नहीं, मुझे तो कोई गुलाम मालूम होते हो, जब ये कनीज़ इश्कबाजी मसरूफ। जी हुजूर, मैं तो आप ही का गुलाम हूँ, इसलिए शहजादी की कनीज़ से मोहब्बत की इजाजत मांगता हूँ। तुम शहजादे, ये गुलाम, आखिर किस्सा क्या है? किस्सा कुछ अजीब और गरीब, आओ मेरे साथ फिर बताऊंगा। जलवा, अरे तुम कहाँ चली, वो तो कहती हैं कि जलवा इस मेहमान को खिलाओ हलवा। हलवा खाओगे? क्यों नहीं, बिल्कुल उसी की सूरत है, ये शहजादा नहीं वही बदमाश है। जरूर तुम्हारे नमखराम आदमियों ने कुछ रिश्वत लेकर उसे आजाद कर दिया है और उसे उस गार में नहीं झोंका। सरकार, मैंने अपने हाथों से उसे आदमखोर गार में धक्का दिया है। नहीं, मुझे यकीन नहीं। यकीन नहीं तो आप खुद चलकर मुआयना फरमा लें, अगर वो वहां होगा तो जरूर नजर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखे लेते हैं। जल गई जल गई, आ गई है इश्क पे बहार, खत्म हुआ है इंतजार, वो जिंदगी भी रंग बदल गई बदल गई। थे हम कोई जिंदगी में आएगा, दिल पे मुस्कुरा के फिर तीर से चलाएगा, अपना हमें बनाएगा, छेड़ेगा मेरे दिल के तार और कहेगा ये है प्यार, हो
गई है इश्क पे बहार, खत्म हुआ है इंतजार, वो जिंदगी भी रंग बदल गई बदल गई। अदा पे हम जिंदगी लुटा चुके के अपना उन्हें बना चुके, कह दे ये कोई एक बार उनको भी है हमसे प्यार, हो जिंदगी भी रंग बदल गई बदल गई। आ गई है इश्क पे बहार, खत्म हुआ है इंतजार, जिंदगी भी रंग बदल गई बदल गई। क्या हुआ, तुम डर क्यों? तुमने वो साया नहीं देखा? साया किसका? मुश्तरी का। कौन मुश्तरी? जिसकी कब्र सामने है। वो दो कब्रें? हाँ, दूसरी कब्र उमर फारूकी की है। ये दोनों चांदनी रातों में यहाँ इकट्ठे घुमा करते हैं। मुश्तरी, उमर फारूकी, ये क्या राज है? कौन थे वो? ये एक लंबी कहानी है, मैं फिर कभी सुनाऊंगी। मुझे इस वक्त बड़ा डर लग रहा है, तुम यहाँ से चलो अजीब। पहले बताओ ये मुश्तरी कौन थी, और मौत के बाद भी जिसके पहलू में ये सोई हुई है, उमर फारूकी कौन था? वो भी एक शहजादी थी, कहते हैं उसके हुस्न में जादू था, और वो एक मुगन्नी था, इश्क का मुजस्सिमा। सुना है जब वो जादूगर अपने बरबत के तारों को छेड़ता तो सोए हुए फितने बेदार हो उठते, आसमानों में हवाएं थम जाती और समंदर की लहरें उसके नगमे सुनने के लिए किनारों पर आकर बैठ जाया करती। अब भी जब चांदनी रातें होती है तो सुना है बाग के इस कोने में बरबत के नगमे गूंज उठते हैं और एक साया सा रक्स करता दिखाई देता है। तो फिर यहीं बैठ जाओ, हम एक बार वो नगमा जरूर सुनना चाहते हैं। शायद अब वो नहीं होगा। तो जब भी आवाज आएगी मैं यहां जरूर आऊंगा, तुम भी आओगी? अब्दुल, समझ गया सरकार। संभल संभल के चल, संभल के चल, पड़ ना जाए कमर में बल, कमर में बल। हसीना संभल संभल के चल, संभल के चल, पड़ ना जाए कमर में बल, कमर में बल। हसीना पर है मेरा दिल, चला ले तीरों का दिल, चला ले तीरों का दिल, प्यार की मुश्किल कर दे हल। हसीना संभल संभल के चल, संभल के चल, पड़ ना जाए कमर में बल, कमर में बल। हसीना संभल रे,
दीवाना हूँ परवाना, मुझे आता है जल जाना, इजाजत हो तो जाऊँ जल, जाऊँ जल हसीना, संभल संभल के चल, संभल के चल, पड़ ना जाए कमर में बल, कमर में बल हसीना। अच्छा, बड़े हुज़्द के तुम पक्के, छुड़ा दूंगी मगर छक्के। अरे जुदा हो तन से सर मेरा, मगर न छोड़ू दर तेरा, कि मेरा इश्क है यूं पागल, है पागल हसीना। संभल संभल के चल, संभल के चल, पड़ ना जाए कमर में बल, कमर में बल हसीना। जन्नत एक मोहब्बत करने वाले की आगोश से ज्यादा और क्या सुहानी और दिलचस्प होगी। तुम्हारी इश्क की आंखों में खिलमिलाते हुए ये मोहब्बत के रंगीन नजारे, ये तुम्हारे सीने में धड़कते हुए दिल। ये बदतमीजी नहीं, अपना वो चचा वजीर तुम्हें देखने के लिए आदमखोर गार में गया है। चलो आदमखोर घर, इतनी जल्दी भूल गए, जल्दी करो जल्दी। वाकई यहाँ मौजूद है, फिर वो शहजादा इस बदमाश से इतना मिलता जुलता क्यों है? दुनिया में बहुत से इंसानों की शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं सरकार, अब तो आपका शक दूर हो गया। हाँ, मगर ये अजीब धोखा है। सोचा था कि जिंदगी में बगदाद की सल्तनत पर हुकूमत करूंगा और शहजादी से शादी करके उसे अपनी मलका बनाऊंगा। ये हिंदुस्तान का शहजादा न जाने कहां से आ टपका, और फिर मुसीबत तो यह है कि बादशाह सलामत भी उस पर मेहरबान है। मेहरबान होने की तो बात ही है सरकार, कहां ये हिंदुस्तान जन्नत निशान का शहजादा और कहां आप बगदाद के वजीर अब्दुल। मेरे कहने का मतलब यह है सरकार कि कोई ऐसी तरकीब निकालिए कि ये शहजादी आपकी हो जाए और हिंदुस्तान का शहजादा आपके रास्ते से अलग। अच्छा तो सुनो, आज रात के खाने के बाद मुश्तरी और उमर फारूकी। समझ गया सरकार।
पहला और प्यार दूसरा, दिल पहला और प्यार दूसरा, तीसरी जवानी एक रात को मिल गए, तीनों बन गई एक कहानी, होए एक कहानी। दिल पहला और प्यार दूसरा, तीसरी जवानी एक रात को मिल गए, तीनों बन गई एक कहानी, होए एक कहानी। माँ बदौलत चाहते हैं कि तुम्हारे सामने एक खुशखबरी का ऐलान किया जाए। हमने आज अपनी चहेती बेटी रुखसाना के लिए हिंदुस्तान के हर दिल अजीज शहजादे जैसा शौहर पसंद किया। हमें उम्मीद है कि बगदाद का यह हसीन तोहफा हिंदुस्तान की शाही महल की रौनक बनकर रहेगा। सुभान अल्लाह सरकार, गुलाम खिदमत आली में मुबारकबाद पेश करता है। आज तो इनाम इकराम की बारिश होनी चाहिए सरकार। बेशक सालार आजम।
शरीर चांद तुम्हारे नरम रुखसारों को छू रहा है और मैं ये देख के जल रहा हूँ कि मुझे अभी तक इन्हें छूने का हक हासिल नहीं हुआ। ओफो, इतनी रकाबत। और मोहब्बत क्या होती है? अब बहुत जल्द और हमेशा के लिए हम एक दूसरे के हो जाएंगे। फिर तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे महबूब के दरमियान कोई हायल ना होगा। कैसी आवाज है रुखसाना? ये उन दो मोहब्बत करने वाले दिलों की मोहब्बत का राग है जिन्हें हमने अपनी मोहब्बत का गवाह बनाया था। अजीब मुश्तरी। हाँ, हम भी देखें कि दो रूहों का मिलाप कैसे होता है। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। क्या बात है सालार आजम? सरकार, वो हिंदुस्तान का शहजादा शहजादी साहिबा को महल से उड़ाकर ले गया। आए, क्या बक रहे हो? सच कह रहा हूँ सरकार। ये कैसे हो सकता है? हम तो खुद शहजादी की शादी उस शहजादे से करने वाले थे। लेकिन सरकार, वो शहजादा नहीं था, एक बदमाश था, चोर था। बड़ी हैरत की बात है, हमें यकीन नहीं आता सालार आजम। आप खुद महल सराय में चलकर देखिए सरकार, वो दोनों गायब हैं। दोनों गायब हैं? जी सरकार। उसका वजीर कहाँ है? पहले उसे ढूंढना चाहिए। चलिए सरकार। जलवा, कल जब हमारे शहजादे की शादी तुम्हारी शहजादी के साथ होगी ना, तो हम बादशाह सलामत से तुम्हें अपने लिए मांग लेंगे। बता, वो बदमाश कहाँ है? कौन बदमाश? वही जो धोखा देने के लिए हिंदुस्तान का शहजादा बना हुआ है। जबान संभाल कर बात करो, शहजादा अपनी आरामगाह में है। तू झूठ बोलता है, वो बदमाश शहजादी को महल से फरार करके ले गया है। तू गलत कहता है, मैं अभी अभी शहजादे से मिलकर आया हूँ, वो अपने कमरे में है। और अगर वो अपने कमरे में नहीं हुआ तो तुम्हारी गर्दन काटती जाएगी। मंजूर है तो चलो। शहजादे, शहजादे साहब, मैं क्या बादशाह हूं? आओ चलिए। शहजादे, 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 मैं क्या बादशाह हूं? शहजादे, ओ शहजादे, ये क्या हरकत है? कहां है तुम्हारा शहजादा? ले जाओ इसे और इसका सर काटकर शहरपना के दरवाजे पर लटका दो। वजीर साहब, इस बेचारे ने क्या कसूर किया है जो आप इसका सर काट रहे हैं? वजीर साहब को दीवानगी के दौरे पड़ते हैं और रातें भयानक ख्वाबों में बतर होती है। खामोश। सालार आजम। सालार आजम, तुम्हें तो यूं ही किसी ने बहका दिया। हमें पूरा यकीन है कि वो असली शहजादा है। और फिर शहजादी, वो भी कोई मामूली लड़की नहीं, हमारी बेटी है। तुम तो निरे अहमक हो, अहमक। जी सरकार। नहीं सरकार, वैसे तो वजीर साहब कोई बुरे आदमी नहीं, अलबत्ता आजकल परेशान रहते हैं। शहजादी सुहबा का मामला है ना, क्यों वजीर साहब? उठ। Thank you.
भला हो बुद्ध। पास लाइए हाथ ना लगाइए, कीजिए इशारा दूर दूर से। चलो बुद्ध मेरे करीब मत आना। क्यों? अरे करीब मत आना, क्यों ना हो? अरे सुनो तो, कौन कहता है मैं भूत हूँ? कौन कहता है मैं भूत हूँ? मैं इंसान हूँ, मैं 100% इंसान हूँ। चूके देखो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मुझे शहजादी साहब से सब मालूम हो चुका है, तुम भूत हो। नहीं नहीं, मैं भूत मुझे नहीं। मन छू नहीं, मैं तुम्हें नहीं छूंगा तो किसको छूंगा? जलवा जलवा, मैं भूत नहीं। फिर तुम कौन हो? मैं भूत नहीं, मैं भूत नहीं, मैं तो जादूगर हूँ, जादूगर। क्या तुम मेरा जादू देखना चाहती हो? मेरा जादू देखना चाहती हो तो सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ, गर्दन मोर की तरह बनाओ। शुन्न शराब पट्टा पी शु। देखा जाने मन मेरा जादू। ये क्या मजाक है, तुमने मुझे गधे क्यों बना दिया? सुना नहीं तुमने? अरे जिलाया गधी पर तो परी क्या चीज है मेरी जान, जवानी में गधी भी खूबसूरत मालूम होती है। मुंह ना फेर, इधर देख मेरी तरफ। मुझे जल्दी से इंसान बना दो वरना मैं काट खाऊंगी। काट तो नहीं खाओगी, हाँ लात जरूर मार सकती हो। खुदा के लिए मुझे इंसान बना दो। खुदा के लिए? एक बात पर मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा, अगर तुम इंसान बनने के बाद वादा करोगी कि तुम मेरे साथ रहोगी। मुझे सब कुछ मंजूर है। सब कुछ मंजूर है मेरी जान, तो ले अभी इंसान बना देता हूँ। धिंक तिक 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 धूम चकती शान शुरू डे पापा छी। मैं जान गई, पहचान गई। क्या? यही कि तुम जरूर भूत हो। अरे मेरी जान, मैं भूती सही, क्या भूत के दिल नहीं होता? क्या वो मोहब्बत में तड़पना नहीं जानता? अच्छा ये बात है तो एक बार इस मोटे से भूत से मोहब्बत करके देखो। अच्छा, जरूर उसके कब्जे में कोई ऐसी ताकत है जो उसे मौत के मुंह से बचा लेती है, और उसी ताकत के जोर से वो शहजादा बन गया है। मुझे शहजादी के साथ उस ताकत पर भी कब्जा करना होगा। जी हाँ, अब तुम मेरी हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हारी हो गई, लेकिन मुझे कैसे यकीन आए कि तुम भी मेरे हो? देख लो, राजा इंद्र के दरबार में एक से एक खूबसूरत परी है। तो क्या हुआ? क्या खबर, कल तुम उन्हीं में से किसी पर आशिक हो जाओ। अरे कुर्बान जाऊं मेरी जान, परी तो अपनी जगह है, कोई भुतनी भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ मगर मुझे कैसी तसल्ली हो? अरे वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी मेरी बुलबुल, हम हर तिग्रम का जादू अपने साथ रखते हैं। वो क्या? वो ये तो तुमने सुना होगा कि हम भूतों की जान परिंदों में होती है, इसी तरह मेरी बुलबुल मेरी जान एक कबूतर में है। अगर मैं तुमसे कभी बेवफाई करूं तो तुम उस कबूतर को मार डालना, उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा हाँ? तो कहाँ है वो कबूतर? क्या तुम देखना चाहती हो मेरा कबूतर? तो आओ आओ मेरी जान। अभी बुलाता हूँ कबूतर को, देखना। आ जाओ मेरे कबूतर। देखा, आ गया। ले, ले से ले, ले। तो इसमें तुम्हारी जान किधर है? इसके अंदर, इसके अंदर। मुझे तो दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाऊं? अब ऐसे कैसे दिखाऊं? जरा एक काम करना, एक काम। वो क्या काम? इसकी एक टांग मरोड़ दे। इससे क्या होगा? अरे ऐसे बहुत कुछ होगा, तू मरोड़ के तो देख। मगर देख आहिस्ते मरोड़ना, मेरी टांग नाजुक है। जोर से मरोड़ दिया तूने। अभी मर गया, मर गया, मर गया।
हमने तुम्हारे कमाल की बहुत तारीफें सुनी हैं। तुम्हारी शोहरत बगदाद के बाहर भी पहुंच चुकी है, मगर बात तो जबी है कि तुम अपनी चालाकी और अय्यारी का एक नमूना हमें भी पेश करो, ताकि हम भी तुम्हारे फन की दाद दे सकें। जो हुक्म सरकार, कनीज चांद में सुराख कर सकती है और फिर उसमें पेवन भी लगा सकती है। चांद में सुराख करना आसान है, मगर किसी के दिल की गहराइयों में डूबे हुए राज को टटोलना मुश्किल। कनीज की ये नजरें पत्थर को तोड़ सकती हैं। वो कौन सा दिल है जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त है? मगर ये राज तुम्हारे हमारे दरमियान एक बड़ी कीमत रखता है। अगर ये बात किसी को मालूम न हुई तो काम हो जाने पर तुम मालामाल कर दी जाओगी, और अगर ये बात मालूम हुई तो तुम्हारा सर उतार लिया जाएगा। मुझे मंजूर है। अच्छा तो सुनो, एक शख्स जो खुद को हिंदुस्तान का शहजादा बताता है, शाही महल में बादशाह का मेहमान है। शहजादी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है, मगर हमें यह शक है कि वह आदमी शहजादा नहीं बल्कि एक आवारा बदमाश है, और उसने किसी गैर मामूली ताकत का सहारा लेकर खुद को शहजादा बना लिया है। तुम्हें इसी बात का पता लगाना है कि वो कौन सी ताकत है जो एक फकीर को शहजादा बना सकती है। अब बताओ, ये काम मुश्किल है या नहीं? सरकार की इनायत है, ऐसे काम तो कनीज चुटकियों में मसल कर फेंक देती है। ठहरो, ये तो तुमने पूछा ही नहीं कि ये राज तुम्हें मिलेगा कहां से। ये इशारा अगर मैं आपसे ही पूछ लूं और खुद न समझूं तो इसमें मेरी चतुराई क्या है? खैर, मैं आपको बताए जाती हूं कि मैं शहजादी के पास जा रही हूं। शाबाश। आदाब, आदाब। मेरे मुंह में ख्वाब, आज तो हर कदम पर एक कयामत जाग उठेगी। एक खूबसूरत शहजादे की तमन्नाओं का ख्वाब और कितना हसीन होगा। रुखे रोशन के आगे शम्मा रख कर वो कहते हैं, उधर जाता है देखे या इधर परवाना आता है। शहजादी की खैर, शहजादी के लौली गुलामों की खैर, बदी का निशान मिटे, नेकी का बोलबाला हो। जलवा, कौन है ये? खुदा खुश रखे, कनीज शहजादी की माँ मलका गुलनार की पुरानी खादमा है। आज महल में फानूस जलते देखकर शहजादी को दुआएं देने चली आई। मैं बुढ़िया इसी दिन की आरज़ू में जी रही थी। इनाम चाहती हो? मैं तो इस चांद जैसे मुखड़े की बलाएं लेने आई हूँ। मैं कुर्बान, क्या पेशानी है, बड़ी खुशकिस्मत हो, हमेशा सुखी रहोगी, दिल से दिल मिला रहेगा। बस बस, खुशामद बन करो, इनाम लेके चलती बनो। लड़की तू बड़ी नटखट है, तुझे एक बहुत मोटा खामिन मिलने वाला है। अच्छा, अब ये बताओ हमारी किस्मत में क्या है? सबके सामने कहने की नहीं, तुम सब जाओ। नाराज ना होना बेटी, जो कुछ मेरा इल्म बताता है वही कहती हूँ। हाँ हाँ कहो। शहजादे और शहजादी की मोहब्बत के दरमियान कोई चीज दीवार बनकर हायल हो रही है। कहीं तुम वजीर के लिए तो नहीं कह रही? नहीं मेरी शहजादी, वो कोई गैर मामूली चीज है जिसे शहजादा अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता है। वो बड़ी मनहूस चीज है मेरी शहजादी। है कोई ऐसी गैर मामूली चीज शहजादे के पास? गैर मामूली? हाँ है तो, एक चराग। बस यही एक गैबी ताकत है जो मोहब्बत के रास्ते में हायल हो रही है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मेरी मासूम शहजादी को चाहिए कि उस चिराग को अपने कब्जे में कर ले, फिर कोई खतरा नहीं। अगर शहजादा वो चिराग मुझे ना दे तो फिर वो शहजादा आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। हाँ। तुम यही ठहरो, मैं अभी आई। Thank you.
शहजादी, मैं तुमसे एक सवाल पूछने आई हूँ। यही के सर बर्क लिबास और इन जगमगाते जेवरात में तुम कितनी खूबसूरत नजर आती हो। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, सुभान अल्लाह। नहीं, बल्कि मैं ये सवाल करने आई हूँ कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। ये तुम्हें क्या सूझी कि इस तरह सवाल करने और जवाब देने से किसी की मोहब्बत का यकीन हो सकता है? यकीन करना मेरा काम है, तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है शहजादी। इसका यकीन करने के लिए अगर मैं तुमसे कोई सबूत मांगूं तो दोगे? क्या सबूत? कुछ भी। बेशक, मैं सबूत में अपनी जान तक दे सकता हूं। नहीं, मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं। तो फिर क्या सबूत चाहिए तुम्हें? तुम परेशान ना हो, सबूत मैं मांगूंगी। मांगो। तो लाओ, इसी बात के सबूत में मुझे वो चिराग दे दो। चिराग? हाँ, वो चिराग जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझते हो। लेकिन मोहब्बत का ये इम्तिहान कठिन भी है और खौफनाक भी। तुम्हारी शहजादी आज तुमसे एक ऐसा सवाल कर बैठी है जिसके जवाब में तुम्हें अपनी दो अजीज चीजों में से एक से हाथ धो लेना पड़ेगा। अगर मेरी मोहब्बत का पल्ला तुम्हारे चिराग के वजन से ज्यादा भारी है तो लाओ, वो चिराग मुझे दे दो। आज तुम मेरे मालिक बनने वाले हो, इसलिए मैं अच्छी तरह अपनी हैसियत जान लेना चाहती हूँ। मैं जान लेना चाहती हूँ कि मेरी खरीदार की नजरों में मेरी कीमत कितनी है। ऐ आश्क रुखसाना, एक नौजवान लड़की पर मोहब्बत के मीठे लफ्जों से जादू कर देना बहुत सों को आता है, लेकिन मोहब्बत का कोई ठोस सबूत देना बहुत सों को नहीं आता। मुझे तुम्हारी इस खामोशी से खौफ महसूस हो रहा है। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? कहीं मैं किसी बड़ी भारी गलतफहमी में तो मुब्तिला नहीं हूं? शायद तुम्हें चिराग देने से इनकार है। जिंदाबाद। तुमने अपनी मोहब्बत के सबूत में एक गैबी सल्तनत को ठोकर मार दी। नहीं, पीतल के ठीकरे को। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत पर मैं कितना नाज करूंगी मेरे अजीबोगरीब। रुखसाना, इस चिराग को संभाल के रखना, अगर दुश्मन के हाथ लग गया तो। तुम इत्मीनान रखो। यही है ना वो ताकत जिससे तुम घबरा रही थी। अब यकीन आया कि शहजादा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। मैं सत्य जाऊं, अब मेरे दिल को इत्मीनान हुआ। मेरे इल्म ने मुझे चक्कर में डाल दिया था। अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस मनहूस ताकत को किसी संदूक में उठाकर बंद कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर शहजादे के हाथ लग जाए। मेरे इल्म के हिसाब से तुम और ये ताकत दोनों शहजादे के पास साथ साथ नहीं रह सकते। तो तुम ही अपने हाथ से इसे संदूक में रख दो। मुझे तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। लो, इसे हिफाजत से रखना। ठहरो, ये है तुम्हारा इनाम। शुक्रिया।
तुम रुखसाना जो के अमीर बगदाद अख्तर आलम की इकलौती बेटी हो, तुम्हें यूसुफ जमा जो के शहजादा हिंद है के निकाह में बाइवज 20 लाख दीनार मेहर दिया जाना कबूल है। जो भी चिराग का मालिक होगा मैं उसका गुलाम। फरमाइए सरकार, गुलाम को किसने याद करवाया है? जाओ और अजीब का सर काट लाओ। क्या कहा अजीब का? तो क्या तुम हमारा हुक्म नहीं मानोगे? अगर मेरा बस चलता तो पहले मैं आपका सर काट लेता, मगर क्या करूं, फर्ज की मजबूरी है, आपका हुक्म मानना ही पड़ता है। मैं शहजादा हिंद वादा करता हूँ कि बगदाद की हसीन शहजादी को हमेशा दिलो जान से ज्यादा अजीज रखूंगा और जिंदगी भर शहजादी रुखसाना पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर इन्हें कभी कोई तकलीफ हुई तो अपना खून पसीना एक करूंगी। अजीब, मैं वादा करता हूँ, मुझे भरोसा रखिए आप लोग। अजीब क्यों? क्या मुसीबत है? बेवकूफ इंसान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या तुम वाकई मुझे मार डालोगे? दोस्ती का भी ख्याल नहीं करोगे? मैं मजबूर हूँ, जिसके पास भी ये चिराग होगा मुझे उसका हुक्म मानना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने चिराग को संभाल के नहीं रखा, वरना तुम क्या समझते हो एक दोस्त के खून में हाथ रंगते हुए मुझे खुशी हो रही है? नहीं दोस्त, नहीं, ये एक फर्ज की मजबूरी है, मजबूरी। तुम ऐसा करो, अपना सर झुकाकर मेरे सामने बैठ जाओ ताकि मुझे जबरदस्ती अपने दोस्त का सर कलम न करना पड़े। अगर तुम्हारा फर्ज तुम्हें मजबूर करता है तो मैं तैयार हूँ। सुना नहीं तुमने? हम कहते हैं उसे आजाद कर दिया जाए। खामोश बदतमीज। चुप रहो बूढ़े, आज से बगदाद में मेरा हुक्म चलेगा। अब्बा जान, तुम्हारा हुक्म? अच्छा, हम अभी देखते हैं।
इसे आजाद कर दिया जाए, हम हुक्म देते हैं इसे आजाद कर दिया जाए। गिरफ्तार कर लो इस नमक हराम को, कैद कर लो इस बेवकूफ को। रुखसाना, अब्बा जान, आज से बगदाद का बादशाह मैं हूँ, ले जाओ इन दोनों को और जेल में डाल दो। क्यों शहजादी साहिबा, मिजाज कैसे? अब्दुल, शहजादी साहिबा को महल में कैद कर दो और चारों तरफ पहरा लगा दो। क्या बे वो गुलाम के बच्चे? कौन है बे? मालिक, मैंने तुझे अजीब को कत्ल करने के लिए हुक्म दिया था और तू यहाँ नाचता फिर रहा है। हुजूर, मैं क्या करूँ, ये मुझे मौत का नाच नचा रही है। क्या मतलब? मतलब ये हुजूर कि इस कबूतर में मेरी जान है, जो कुछ भी ये कबूतर के साथ करेगी वही मेरे साथ होगा। देखिए अगर हार गए फिर करेंगे। अच्छा, ये बात है। अच्छा, अब तुम जा सकते हो, जब तक तुम्हारी जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। Thank you.
बादशाह वक्त बगदाद के किसी जमाने की यह हसीन शहजादी आज तुमसे कदना कनीज की तरह अपने बूढ़े बाप और नौजवान अजीब की आजादी की दरख्वास्त करती है, मांगती है। खूबसूरत शहजादी, तुम्हारे हुस्न का गरूर टूटता देखकर हमें इस वक्त जो खुशी हो रही है उसका तकाजा तो यही था कि हम अभी तुम्हारी बात मान लेते, लेकिन ये सौदा इतनी आसानी से तय नहीं हो सकता। हमारी भी एक शर्त है, हम तुम्हारी दरखास्त सिर्फ उसी वक्त कबूल कर सकते हैं जबकि तुम हमारी मलिका बनना मंजूर कर लो। रुखसाना, इस नमक हराम कुत्ते की बातों में हरगिज ना आना। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए रुखसाना जिसका कर्ज तुम्हारी बेशकीमत जिंदगी से चुकाया जाए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और अगर कभी तुमने मुझसे सच्चे वादे किए थे तो रुखसाना वजीर की शर्त को ठुकरा दो, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे आपकी शर्त मंजूर है रुखसाना। मैं आपसे शादी करने पर राजी हूँ। तुम बेवफा नहीं हो सकती रुखसाना। नहीं नहीं रुखसाना, तुम इस नमक हराम की बातों में ना हो बेटी। ये मक्कार है, बगावत है, जलील है। शहजादी, हमें तुम्हारी दानिशमंदी और होशियारी से ऐसी ही उम्मीद थी। जाओ, इन दोनों को कैद खाने में बंद कर दो। घबराओ नहीं, मैं शादी के रोज अपनी मलिका को इन दोनों की आजादी का तोहफा दूंगा। इत्मीनान रखो मेरी हसीन मलिका। रुखसाना, मेरी बच्ची, इस नमक हराम की बातों का यकीन ना करो, इससे शादी ना करो, इससे शादी ना करो रुखसाना। हुस्न की मलिका, सलाम मोहब्बत कबूल। तरक्की और हो दुनिया में यार वो हुस्न वालों की, नजाकत भी तो शामिल हो जरा मेरे ख्यालों की। आपके हुस्न की शमा का परवाना, आपकी मोहब्बत के बियाबानों का भटका हुआ दीवाना। अब आप और क्या चाहते हैं, मैं आपसे शादी का वादा तो कर चुकी हूं। मेरी बेकरार मोहब्बत को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मेरी जिंदगी की तमाम रातें तुम्हारे इश्क की बेचैनियों में कटी हैं। मेरे मायूस दिल की तमन्नाएं तुम्हारे तसव्वुर को सीने से लिपटाए पड़ी हैं। शहजादी,
एक बेकस की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रही हूं। शायद ये तुम्हारी मोहब्बत का असर है। मगर ऐ दिलगीर आशिक, एक शहजादी से मोहब्बत का इजहार करते वक्त तुम्हें जरा एहतियात से काम लेना चाहिए। एक तीसरे आदमी की मौजूदगी में मैं तुमसे इश्क की बातें कैसे कर सकती हूं? कौन है वो तीसरा आदमी? इस चिराग का भूत। चिराग का भूत? हाँ, जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। ओह, ये देखकर मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि वो इस वक्त भी हमें झांक के देख रहा है। तो इसे अलग कर देना कौन सी बड़ी बात है? लो, अब हमारी मोहब्बत की तन्हाई में कोई मुखल न होगा। आओ, मेरी मोहब्बत का आगोश तुम्हारे लिए बेकरार है। मेरे अरमान तुम्हारे हुस्न की मचलती हुई बिजलियों की मानिंद बेताब है। आओ, मेरे बेकरार बाजुओं में आकर इश्क की प्यास बुझा दो। फराक में जो लज्जत है वजीर साहब, वो कामयाबी में नहीं, अपनी मोहब्बत को जरा और बेताब होने दीजिए। सब्र ज़ब्त से मोहब्बत का रंग और गहरा होता है। शहजादी, अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सब्र से काम लीजिए वजीर साहब, मोहब्बत के इम्तिहान का यही तो वक्त है। अब तुम मेरी हो, मेरी मलका बनोगी। आज मैं बगदाद की सल्तनत के साथ तुम्हारे हुस्न का भी मालिक हूँ। चालाक लड़की। मक्कार शहजादी, अब तू मेरे कब्जे से नहीं निकल सकती। इस फरेब की तुझे पूरी सजा दूंगा। खामोश नमक हराम। आज मैंने तेरी सारी ताकत खत्म कर दी। अफो, बहुत जल्दी चोला बदल दिया शहजादी साहिबा ने। मक्कार कमीने जलील, तूने मेरे बूढ़े बाप को कैद किया, तूने मेरे मंगेतर पर जुल्म उठाया, बगदाद की हुकूमत पर कब्जा जमा बैठे, अब मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। आज मैंने तेरी सारी ताकतें गर्क कर दी, अब तू कुछ नहीं कर सकता। नादान लड़की, जो ताकत मुझे हासिल करना थी वो तो मैं कर चुका, अब तुझे मुझसे निजात नहीं मिल सकती। शादी के लिए तैयार रहना, समझी? बगदाद का बादशाह मैं हूं। ठीक ही तो है, चराग की ताकत अगर वजीर के पास नहीं रही तो अजीब के पास भी तो नहीं। आज इस भरे दरबार में तुम बगदाद की मलिका बनोगी, और ये जानिसार आज से हुस्न की एक बहुत बड़ी सल्तनत पर भी
हुकूमत करेगा। जलील कुत्ता। तूने हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर अपने नसीब को बनते बनते बिगाड़ लिया। तेरी बेअदबी ने हमारे रहम को गैरतैस ने बदल डाला। गुलाम हम तुझे अभी तेरी सरकशी का मजा चखाते हैं। बदबख्त, तूने मलिका के मर्तबे को ठुकरा दिया। अब तुझे हमारा साकी बनना होगा। इस भरे दरबार में इन नाजुक नाजुक हाथों से हमें शराब पिलानी होगी। और अगर तुझे इससे भी इनकार हुआ तो इस गुलाम के कोड़े तेरे जिस्म की धज्जियां उड़ा देंगे। साकी भर दे मेरा पैमाना। Thank you.
हमारे अजीब से अजीब, शाबाश 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 बहादुर शाबाश। ताने आली, वजीर और अब्दुल न जाने कहां गायब हो गए। गायब हो गए, गायब हो गए, होने दो, खास कम जहां पाक। रुखसाना रुखसाना रुखसाना, बगदाद के अमीर हो, हम बहादुर अजीब की दिलेरी और जानिसारी पर बहुत खुश हुए, इसलिए हम चाहते हैं कि बहादुर अजीब की शादी शहजादी रुखसाना के साथ कर दी जाए, शहर में चिरागा किया जाए, गरीबों में खैरात बांटी जाए। अब्दुल, क्या सोच रहे हो? हमारे जितने साथी थे वो तो सबके सब मारे गए, अब ये तहखाना हमें ज्यादा देर अपनी हिफाजत में नहीं रख सकेगा। तो क्या मौत से घबराकर तुम हमारा साथ छोड़ देना चाहते हो? नहीं मेरे आका, मेरा हरगिज ये मतलब ना था, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यहां से भाग निकलने का यही बेहतरीन मौका है, क्योंकि लोग महल में शादी की तैयारियों में मशगूल है। शादी? मोहतरम बुजुर्ग, यही वो बहादुर नौजवान है जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी जान को बचाया है। बहादुर नौजवान, बगदाद को तुम पर नाज है, नाज है। ओ रुखसाना। शहजादी हमारे मोहब्बत भरे दिल और अरमानों की दुनिया को बर्बाद करके गैर की आगोश हरगिज आबाद न कर सकेगी। अब्दुल, टूटा हुआ दिल कभी कभी जख्मी शेर की तरह बिफर जाता है, ये हार जो कभी रुखसाना के गेंसुओं से खेलने के लिए बेकरार थे आज उसी के खून से अपनी नाकाम मोहब्बत का इंतकाम लेंगे। हम शहजादी को किसी गैर की आगोश में जाने से पहले हमेशा के लिए उसे मौत की गोद में सुला देंगे। Thank you.
मरा नहीं करती जब तक तुम जिंदा हो। अजीब रुखसाना को मौत नहीं आ सकती मेरे अजीब वो गरीब। जलवा जलवा अब तो खिला दो हलवा। हलवा खाओगे?